ध्यान रखने योग्य बहुत जरूरी बातें अपना कीमती वक्त निकालकर जरूर सुने। छोटी मोटी बीमारी के लिए डॉक्टर और वैद्यों के पास जाने में जहां समय लगता है वहीं इलाज करवाना भी सस्ता नहीं है। बीमारी के लक्षण बताकर किसी मेडिकल स्टोर से दवा लेना, किसी अनजानी आफत को मोल लेना भी हो सकता है। तो यदि हम अपनी दादी नानी के छोटे छोटे टोटके को भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो हमारी रोजमर्रा की लाइफ यानी जिंदगी आसान हो जाए। तो आइए जानते हैं वो छोटे छोटे नुस्खे टिप्स कौन से हैं। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, काम की है ये बहुत ही ज्यादा। तो आइए जानते हैं क्या है। नंबर एक, यदि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हों तो एक चम्मच नींबू का रस या एक नींबू का रस लें, दो चम्मच नारियल के तेल में मिलाकर रात को सोने से पहले बालों की जड़ों में लगाएं। कुछ ही दिनों में बालों का झड़ना बंद हो जाए। बहुत ही कारामद नुस्खा है। नंबर दो, थोड़ा सा कच्चा दूध, शहद और चार अंडे की जर्दी तीनों को मिलाकर रख लें। कोई भी तेल लगाकर इस घोल को 20 से 25 मिनट तक बालों की जड़ों में लगाएं। बाद में बालों को साबुन या शैम्पू से धो डालें। आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है। नंबर तीन, उड़द की दाल को उबालकर उसे सिर पर रगड़ रगड़ कर मलें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। नंबर चार, उड़द की दाल से बालों में शाइनिंग भी आती बहुत ही ज्यादा। नंबर चार, नींबू के रस में आंवले का चूर्ण मिलाकर बालों की जड़ों में लगाने से बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं, साथ ही वो घने और काले भी हो जाते हैं। नंबर पाँच, यदि आपके बदन में और टांगों में दर्द रहता है तो हल्के गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, इससे दर्द में आराम मिलता है। आजकल ऐसा सीजन है कि सबको बदन दर्द होता है, तो गुनगुने पानी से सभी लोग नहाएं, और ज्यादा दर्द हो तो उसमें नमक भी डाल के नहा सकते हैं। नंबर छह, अगर अचानक से पेट दर्द होने लगे तो एक गिलास पानी में थोड़ा सा काला नमक डालकर पी लें, पेट दर्द में तुरंत आराम मिल जाएगा। नंबर सात, केले के छिलके को फेंके नहीं, उसे स्किन पर रब करने से स्किन ग्लो करती है और आंखों के नीचे की सूजन कम होती है। अगर इस पे थोड़ी सी शक्कर डाल के अपने चेहरे पर लगाएंगे तो स्किन में स्क्रब भी हो जाएगा, बहुत ही जबरदस्त ग्लोइंग करेगी। नंबर आठ, रोजाना सुबह खाली पेट 3 से 4 काजू खाकर ऊपर से शहद चाटने से याददाश्त बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। नंबर नौ, जो औरतें रोज रात को एक गिलास पानी में 2 चम्मच मेथी दाना भिगोकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करती है तो ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। आपकी कमर और पेट पर फैट नहीं चढ़ेगा। नंबर 10, गर्भावस्था में कीवी फल खाना बहुत फायदेमंद होता है। इसमें सॉलिड पर्याप्त मात्रा में होता है जो बच्चे के दिमाग के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। नंबर 11, सुबह का नाश्ता ना करने वालों का दिमाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, उनको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। ऐसा लगातार करते रहने से दिमाग की कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए सुबह का नाश्ता जरूर करें। नंबर 12, यदि आपके दांतों पर पीलापन है तो आम के पत्तों को दांतों से चबाकर दांतों पर मल लें, इससे धीरे धीरे दांत चमकदार हो जाएंगे, पीलापन गायब हो जाएगा। नंबर 13 यानी 13, मूली के रस में, मूली हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, मूली के रस में नींबू और नमक मिलाकर रोज लेने से मोटापा कम होता है, फैट नहीं चढ़ता है और ये हमारी बवासीर में भी बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है मूली।
नंबर 14, शहद लगाकर मूली खाने से मोटापा दूर होता है। नंबर 15, एक गिलास पानी में 2-3 चम्मच शहद और 1 नींबू का रस मिलाकर रोज पीने से मोटापा दूर होता है। नंबर 16, चीनी और शहद प्लस नारियल का तेल मिलाकर रात में होठों पर लगाने से होंठ गुलाबी और सुंदर लगने लगते हैं। नंबर 17, कच्चे दूध में चीनी मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से चेहरे पर चमक आती है, यह एक अच्छा और नेचुरल मॉइस्चराइजर है। नंबर 18, सर्दी के मौसम में अगर कोहनियाँ काली हो गई हैं तो आधा नींबू लेकर उसमें थोड़ा शक्कर 8 से 10 दाना डाल करके कोहनियों पर रब करने से कोहनियाँ 2 से 3 बार में ही साफ हो जाती हैं। नंबर 20, पत्ता गोभी में दूध के बराबर कैल्शियम होता है जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इस कारण जिन लोगों को दूध नहीं पसंद है उन लोगों के लिए ये अच्छा विकल्प है। सूचना वीडियो में बताई गई जानकारी सामान्य जानकारी पर आधारित है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, फिर इन नियमों को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करें। तो फ्रेंड्स, आज की ये छोटी सी वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसके बाद ही ये आप तक पहुंचाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक भी कर दीजिए, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये जानकारियाँ काम की लग रही हैं तो और लोगों को भी इसको सदकहजारिया के तौर पर पहुँचाइए। तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, आसपास स्वच्छता बनाए रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।